ईडिपस रेक्स, ठीक है, सोफोक्लीज और ईडिपस रेक्स। जब भी सोफोक्लीज और ईडिपस रेक्स की बात आती है तो एक और बात आती है कि ट्रेजेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी, और सोफोक्लीज कौन था, और इसके अलावा ईडिपस रेक्स जो है इसको आइडियल ट्रेजिक हीरो कहा जाता है, और ईडिपस रेक्स जिस थीम के ऊपर लिखा गया, जिस प्लॉट के ऊपर लिखा गया, उसी को कहा जाता है कि ये अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन बताई थी, अगर उसके हिसाब से कोई आइडियल ट्रेजिक हीरो है तो वो ईडिपस रेक्स है। इसलिए मोस्टली एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ईडिपस रेक्स एज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो। ठीक है, पहले हम इसमें सोफोक्लीज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हु वाज ईडिपस रेक्स। क्लासिकल पोएट्री खोल के देख लें, क्लासिकल ड्रामा खोल के देख लें, क्लासिकल लिटरेचर खोल के देख लें। क्लासिकल की सबसे प्यारी खसूसियत ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक कैरेक्टर होता है। देखिए यहाँ पे मेन ईडिपस रेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो क्लासिकल में एक ही हीरो होता है और उसके गिर्द पूरी कहानी घूम रही होती है। जब और वो कोई किंग या क्वीन या इस तरह से कोई एलिवेटेड कैरेक्टर होता है जिसके जिसकी ट्रेजेडी दिखाई जाती है, जिसमें उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, यानी कि खुशहाली से बदहाली की तरफ। उसमें उसका हमार्शिया इंक्लूडेड होता है, यानी कि उसकी कुछ एरर ऑफ जजमेंट होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। हो सकता है वो उसका तकब्बुर हो सकता है उसने कोई रॉन्ग डिसीजन कर दिया हो, कोई रॉन्ग चॉइस जो है वो उसने अडॉप्ट की हो, या उसको किसी ने मना किया हो, लेकिन उसकी एरोगेंस हो। एरोगेंस मीन के सेल्फ राइटियसनेस, बहुत ज्यादा वो सेल्फ राइटियस हो कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ। ईडिपस रेक्स की कहानी से जो मैंने सीखा, सबसे प्यारी जो मुझे इसमें बात लगी, मतलब अगर इंसान ने मोरालिटी सीखनी हो तो एक चीज मैंने देखी कि अगर एक अच्छे से अच्छा इंसान भी तकब्बुर करता है ना तो उसका डाउनफॉल होता है, चाहे वो जितना मर्जी नेक हो। और जब मैं ईडिपस रेक्स पढ़ रही थी तो मुझे एक हदीस याद आई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि किबर मेरी चादर है, जो इसको मुझसे छीनेगा मैं उसको छीन दूंगा। अल्लाह ताला उसको आसमान से जमीन पे गिरा देता है जो कि तकब्बुर करता है। ईडिपस रेक्स एक ऐसे ही प्रिंस की कहानी है जो कि सेल्फ राइटियस था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसने गलती एक कर दी कि उसने तकब्बुर कर लिया कहीं, और जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है, उसकी एरोगेंस थी, उसकी सेल्फ राइटियसनेस थी। और मोस्टली हमने देखा है कि जब हमें लगता है कि हम बहुत नेक हो गए हैं या हमारा इल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कहते हैं ना कि आखिरी जो शैतान का वार होता है वो तकब्बुर का ही होता है कि भाई अब तो तूने बहुत पढ़ लिया है तो अब तो तुम कोई स्कॉलर हो गए हो। तो उसके बाद इंसान का, जिस दिन इंसान को ये पता चलता है ना कि भाई आई एम द परफेक्ट, उस दिन उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ईडिपस रेक्स की कहानी में जो मुझे सबसे प्यारी चीज लगी वो ये थी। ऑल्दो मुझे इसका ओवरऑल ये ट्रेजेडी बहुत ज्यादा पसंद है, और इसी ट्रेजेडी को कुछ इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा कि ईडिपस जो अरिस्टोटल की ट्रेजिक थ्योरी है वो जो बेस करती है, मैं बार बार आप लोगों को अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाते हुए और इवन मैंने पहले आपको कई बुक्स पढ़ाई तो मैं आपसे अक्सर ईडिपस रेक्स की बात करती थी, एंड टुडे इज द ईडिपस रेक्स। एंड अब आपको पता चलेगा कि असल ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या थी। एक्चुअली इसको एंड पे रखने का मकसद ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट टेक्स्ट पढ़ने आते हैं और मजबूरन मुझे ड्रामा जो है वो एंड पे रखना पड़ा, क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स जो हैं एटलीस्ट ड्रामा का टेक्स्ट पढ़ लें, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में लिखा होता है तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ भी देखें कि लिखा हुआ है यहाँ पे सोफोक्लीज एंड इंट्रोडक्शन टू ईडिपस रेक्स। लाइफ एंड इन्फो देख लेते हैं। सोफोक्लीज वॉज बॉर्न 496 BC। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, यानी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के पैदा होने से 496 years पहले ये पैदा हुआ था, एंड डाइड 406 BC। और हजरत ईसा अलैहि सलाम बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के पैदा होने से 406 साल पहले ये मर चुका था। ठीक है, बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, सर्व एज अ जीनियल एंड अ
priest during his lifetime. इसी तरह BC यहाँ पे लिखा ना 496 BC died in 406 BC. अब देखिए 496 406 से बड़ा है, लेकिन क्या है कि before Christ 496 years before Christ ये पैदा हुआ और जब उसकी death हुई तो 406 years before Christ जो है वो उसकी death हुई. इसी तरीके से अक्सर जगह पे लिखा होता है AD. AD का मतलब होता है after death, after जीसस क्रिस्ट की डेथ के इतने अरसे बाद मतलब ये इंसान पैदा हुआ, एंड देन ये सारा इस तरह से एटी एंड बीसी चलता है. वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ, सर्व्ड एज अ जीनियल एंड अ प्रीस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ठीक है, उसने जो है अपना सर्व्ड एज जनरल और प्रीस्ट उसने अपनी लाइफ टाइम में गुजारा. फादर टू सन्स, वन हुम वेंट ऑन टू बिकम अ प्लेराइट. ठीक है, और वो दो बेटों का बाप था और उनमें से एक जो है प्लेराइट था. वर्शिप्ड एज अ हीरो आफ्टर हिज डेथ, और इसकी डेथ के बाद उसको एज अ हीरो जो है वो वर्शिप किया जाने लगा सोफोक्लीस को. ये सोफोक्लीस का अब एक पुतला सा बना हुआ है. और नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेजर ट्रेजेडी राइटर्स देख लेते हैं. सोफोक्लीस वाज अ यंगर कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ एस्टाइलस एंड एन ओल्डर कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ यूरिपाइड्स. एस्टाइलस भी एक ट्रेजेडी राइटर था, उसका कॉन्टेम्पोरेरी था, हम असर था, और ओल्डर कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ यूरिपिड्स, और यूरिपिड्स जो है उसका ये ओल्डर कॉन्टेम्पोरेरी था. ये भी इसी तरह के मतलब ऑथर्स थे, राइटर्स थे. दीज थ्री आर द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीक ट्रेजेडी. ये तीन इंसान थे जिन्होंने ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी लिखी थी. इफ एस्टाइलस चेंज एवरी थिंग बाय पुटिंग अ सेकेंड एक्टर ऑन स्टेज, Sophocles saw and raised him by adding a third. अगर तो एस्टाइलस जो है उसने चेंज की एवरीथिंग, एक सेकेंड एक्टर को स्टेज पे ला के, तो Sophocles ने उसको मजीद रेज किया by adding a third one. और फिर क्या हुआ, this enabled playwrights to create even more complex situation. और इससे क्या हुआ कि playwrights जो है वो more complex situation create करने लगे. Increase the chorus size from 12 to 15 people. और एक कोरस आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि व्हाट इज द कोरस. और वो कहते हैं कि कोरस का जो साइज है वो 12 से 15 पीपल में हो गया. आपने देखा होगा कभी आप इंग्लिश मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ लोग गा रहे होते हैं और करके कुछ बोल रहे होते हैं. एक्चुअली वो बता रहे होते हैं कि इस प्ले में या इस मूवी में क्या होने जा रहा है. वो तकरीबन 12 से 15 लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली कोई सॉन्ग जो है वो गा रहे होते हैं और वो एक्चुअली सारी सिचुएशन बता रहे होते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्ले, और इस प्ले के स्टार्ट होने से पहले क्या क्या हो चुका है, एंड हु इज ओडिपस एंड व्हाट इज गोइंग टू डू, एंड उसकी पिछली मतलब पीछे क्या हो चुका है या आगे क्या होने वाला है. इसी तरीके से कोरस आप ओडिपस रेक्स में पढ़ेंगे. तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कोरिक सॉन्ग गाता है और उससे वो बताता है कि रादर मतलब स्टार्टिंग सॉन्ग और होगा, दरमियान में एक सॉन्ग आएगा, फिर एग्जोर्ड होगा. वो हम सारा इसको पढ़ेंगे कि कोरस की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होगी. उसके बाद सोफोक्लीज वाज द फर्स्ट टू यूज सीन पेंटिंग, और सोफोक्लीज वो पहला इंसान था जिसने सीन पेंटिंग यूज की थी. सोफोक्लीज इन डिटेल देख लेते हैं. सोफोक्लीज वर्क इज कंसिडर्ड द पिनकल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. In his 90 years lifespan, he witnessed the rise and fall of Athenian golden age. Sophocles was the son of a wealthy manufacturer. He grew up during the Persian Wars and was chosen to participate in the victory of celebrations for the Greek naval victory at Salamis in 480 BCE. An honor that suggests that the young Sophocles was particularly talented and handsome. He is thought to have performed some of the roles in his early plays, but was unable to continue as an actor due to problems with his voice. ठीक है, उसको ये सोचा गया कि इसको शायद एक एक्टर बनाया जाए, लेकिन वो अपना ये प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि उसकी वॉइस में कुछ इश्यू था. Sophocles was popular in Athens. वो एथेंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, एंड perhaps as a result of patriotism he developed as a young man, remained in Athens throughout his life despite multiple summons from local rulers to visit other cities and regions. Sophocles considered the greatest of the Greek tragedians. ठीक है, इसको greatest of Greek tragedians कहा जाता था.
Sophocles wrote prolifically, penning 123 plays. However, all but 7 are lost. ठीक है, तकरीबन ऐसा समझा जाता है कि शायद सारे या फिर सिर्फ 7 जो है वो लॉस्ट हुए. ऑफ ग्रेट ट्रेजिडियन सोफोक्लीज हैड द बेस्ट. ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडियन सोफोक्लीज हैड द बेस्ट लक एट द डायनोसिया. ही वॉन 24 टाइम्स. डायनोसिया एक्चुअली एक मेला आप समझ लें, ट्रेडिशनल इनका कोई मेला होता था जिसके अंदर बाकायदा वो स्टेज ड्रामास जो है वो परफॉर्म किए जाते थे. डायनोसिया बेसिकली गॉडेस ऑफ वाइन को कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर इस परफॉर्मेंस के अंदर इस ट्रेडिशनल जिसे कहना चाहिए कल्चरल जिसे मेला कहते हैं ना वो लगता था और उसके अंदर परफॉर्म होना होता था एक ड्रामा. और उस ड्रामा के अंदर डिफरेंट जितने भी ट्रेजिडियंस होते थे, ग्रीक ट्रेजिडियंस होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे. अब जो है सोफोक्लीज जो है क्योंकि ये वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडियंस था तो बेस्ट लक एट द डायनोसिया, तो इसने डायनोसिया पे बहुत ज्यादा प्राइजेस विन किए हुए थे. ही वॉन 24 टाइम्स आउट ऑफ अराउंड 30 ट्राइज. उसने 24 दफा वो प्राइज विन किया हुआ था 30 ट्राइज में, यानी कि 30 मुकाबलों में से 24 मुकाबले इसने जीते थे. एंड प्लेस सेकेंड इन द वंस दैट ही डिड नॉट विन. और जो वो जिसमें वो नहीं जीता था उसमें उसकी पोजीशन सेकंड थी. पार्ट्स ऑफ 100 ऑफ प्लेस बाय सोफोक्लीज हैव बीन फाउंड. और तकरीबन 100 ऑफ प्लेस जो है सोफोक्लीज जो है वो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिले थे. मेजर वर्क्स देख लेते हैं इसके, एजिक्स, एंटीगोन, ईडिपस द किंग समटाइम्स बिटवीन 432-411 BC, फिलोक्टेट्स 409 BC, Oedipus at Colonus, produced after his death in 406 BC, Electra, वो जो morning becomes Electra पड़ा था, ये Electra ये Sophocles का ही था, और Trachinia, और Trachinia भी Sophocles की थी. The three or Oedipus plays, ठीक है, Oedipus जो है एक उसमें लिखे गए थे, जैसे कहना चाहिए triology समझ लें इसको. या हम कहते हैं ना कि आजकल कुछ मूवीज आती हैं उसका पहले पार्ट 1 आ जाता है, देन पार्ट 2 आ जाता है मूवी का, फिर पार्ट 3 आ जाता है. जैसे वो कुछ और इसी तरह से आप वो देखें कि तीन बहादुर आजकल वो जो बार बार आ रहा था तो उसका आई थिंक कोई पार्ट 2 भी शायद आने लगा है उन्हीं कार्टून्स का. तो इस तरीके से जो है Oedipus के जो प्लेस थे, द थ्री Oedipus प्लेस, इसी तरह Oedipus के 3 प्लेस थे, ठीक है. Or although not written as a cycle, not and not necessary to read one to understand the others, the Oedipus plays are Oedipus Rex, Oedipus the King, जो कि आपके syllabus में included है, Oedipus at Colonus. आप समझ ले इसी का part 2 था कि उसके exile होने के बाद Oedipus के साथ Colonus में क्या हुआ. Antigone, Antigone इसकी बेटी का नाम था. Legend of Oedipus, the stories used to create the plays were based on myths. ठीक है, अब देखते हैं कि लेजेंड ऑफ Oedipus क्या था. ये जो स्टोरीज ग्रीक पे जितनी भी बेस करती हैं बेटा वो मिथ्स के ऊपर बेस करती हैं, दैट हैड बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, यानी कि पीछे से जनरेशन फॉलो करती आ रही हैं इन मिथ्स को. व्हेन द ऑडियंस केम टू सी अ प्ले, द प्ले राइटर डिड नॉट नीड टू स्पेंड मच टाइम गिविंग एक्सपोजिशन. If given the characters and where the play begins in the folk tale, the audience would know what was going on. Thanks that, Lord of Thebes, do not sow a furrow of children against the will of the god. Lord of Thebes, जो है वो do not sow a furrow of children against will of the god, कि वो against will of the god कुछ भी नहीं कर सकता था. For if you beget a son, that child will kill you and all your house shall wade through the blood. Yeah, wo Lord of Thebes ko kehta hai ki bhai tum jo ho agar tumhara beta paida hua to phir kya hoga, wo child tumhe kill karega and all your house shall wade through the blood, aur tumhara pura jo ghar hai wo blood se bhar jayega. The oracle of Delphi to Lois, ye oracle of Delphi ne Lois किंग जो था Oedipus का जो बाप था उसको कहा था और उसको एक पैगाम भेजा था कि अगर तुम्हारा एक बेटा पैदा हुआ तो तुम्हारा वो तुम्हें किल कर देगा और तुम्हारा पूरा घर किससे भर जाएगा.
blood se bhar jayega. You required Phoenician women 20. Louis came became king of Thebes. Louis jo hai wo king ban jata hai Thebes ka after death of Amphion and Zetes. He married Jocasta, daughter of Menecas and sister of Creon. Louis jo hai ye Oedipus ka baap tha. Louis had at one time visited Pelops, king of Pisa, as a guest. Pelops had an illegitimate son named Chrysippus by a nymph named Astyoche. Because of Chrysippus' beauty, Louis fell in love with the boy. When Louis was training Chrysippus in driving the chariot, he abducted the boy and raped him. His sword, Chrysippus, kills himself. Philip laid a curse upon Louis. The gods listened and fulfilled the curse. Louis is credited by some as inventing homosexuality. Sphinx dekhte hain isme kaun si thi. It was said that the Hera or Ares sent the Sphinx from her Ethiopian homeland to Thebes in Greece as punishment for Lois' crime, where she asked all passerby the most famous riddle in the history. Ab kya hota Lois ne jo crime kiya hota hai to wo jo hai us जो एरिया के जो लोग होते हैं वो थीबस के किंग से बदला लेने के लिए वहां पे एक स्पिंक्स भेजते हैं, एक बला भेजते हैं. अब वो जो है ताकि वो लोगों को यानी कि उसकी अवाम को पनिशमेंट दे सके उसके क्राइम की. होता ये था, मतलब एक ग्रीक माइथोलॉजी है कि किंग अगर कोई क्राइम करता है तो उसका जो अजाब है वो उसके ऊपर, ना सिर्फ उसके ऊपर, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर, बल्कि उसकी पूरी अवाम के ऊपर भी आता है. तो अब क्या होता है, हीरा और एरिस जो है वो एक स्पिंक्स भेजते हैं फ्रॉम हर एथोपियन होमलैंड और कहाँ पे, थेबिस जो कि ग्रीस में है, ताकि वो लॉयस के क्राइम की पनिशमेंट उनको दे सके. वेयर शी आस्क ऑल पासर बाय, जहां पे वो हर रास्ते में गुजरने वाले से एक चीज ये सवाल पूछती है, द मोस्ट फेमस रिडल इन द हिस्ट्री विच क्रिएट्स इन द मॉर्निंग गोस ऑन four legs at midday on two and evening upon three, and the more legs it has the weaker it be. She strangled and devoured everyone unable to answer. Oedipus answers correctly, man. वो स्पिंक्स जो है वो हमेशा एक ही बात पूछती है कि वो कौन सी ऐसी क्रिएचर है जो मॉर्निंग में तो फोर लेग्स पे होती है, मिड डे में वो टू पे होती है और इवनिंग अपॉन थ्री पे होती है. And the four legs it has, the weaker it be. और इसकी जितनी ज्यादा legs होती चली जाएंगी ये उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी. अब ये जो स्पिंक्स होती है, ये जो बला होती है, ये हर उस इंसान को खा जाती है जो कि इसका आंसर नहीं दे पाता. लेकिन Oedipus जो है वो कहीं वहां रास्ते से गुजर रहा होता है और Oedipus उसका बिल्कुल सही आंसर देता है. Bested at last, the Sphinx then threw herself from her high rock and died. और जैसे ही Oedipus उसका आंसर देता है तो वो जो स्पिंक्स होती है वो अपने आप को हाई रॉक से गिरा देती है और वो मर जाती है, और शी एट हरसेल्फ, या वो अपने आप को खुद से खा जाती है. Thus Oedipus can be recognized as a threshold figure helping effect the transition between the old religious practices represented by the death of the Sphinx and also rise of the new Olympian gods. अब क्या होता है कि Oedipus को जब वहां की अवाम देखती है कि भाई इसने तो Sphinx को मार डाला है और कत्ल कर दिया है या इसने उसका आंसर दे दिया है, तो वो एज अ न्यू ओलंपियन गॉड जो है उसको उसका राइज देखा जाता है, यानी कि वहां के लोग उसको अपना बादशाह मान लेते हैं. द रिडल कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट Oedipus एंड हिज जर्नी. अब ये जो रिडल है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, वो Oedipus और उसके जर्नी को सिंबलाइज. रिडल कैसे कहते हैं उर्दू में, हम पहेली को कहते हैं. द स्फिंक्स कैन रिप्रेजेंट स्ट्रैंगुलेशन और बैड लक. स्फिंक्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रैंगुलेशन, उलझाओ या बैड लक को भी. उसके बाद देखते हैं सिंबलिज्म इन Oedipus Rex. इन द Oedipus द किंग द क्रॉस रॉड इज रेफर्ड टू अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द प्ले. And it symbolizes the crucial moment long before the events of the play.
when Oedipus began to fulfill the dreadful prophecy that he would murder his father and marry his mother. होता क्या है कि Oedipus the king जो है उसके अंदर एक crossroad आता है. हम symbolism पढ़ रहे हैं अभी कि एक crossroad यहाँ पे देखें. Crossroad कहते हैं किसी चौक को. यहाँ पे आप इस diagram में देखिएगा crossroad, ये सीधी road आ रही है, इसके यहाँ से भी एक रास्ता, जैसे हम समझते हैं एक ही road और वो थ्री डिफरेंट पाथ्स की तरफ जा रहा होता है. यहाँ पे देखें मतलब एक ही रोड वो कई रास्तों को जा रहा होता है, उसको कहते हैं हम ये क्रॉस रोड्स है. एंड इट सिंबलाइज द क्रूशियल मोमेंट लॉन्ग बिफोर द इवेंट्स ऑफ द प्ले व्हेन ईडिपस बिगेन टू फुलफिल द ड्रेडफुल प्रोफेसी दैट ही वुड मर्डर हिज फादर एंड मैरी हिज मदर. अब क्या होता है कि ईडिपस एक्चुअली अपने ही इलाके से भाग रहा होता है, क्योंकि उस क्रॉस रोड से जा रहा होता है, क्योंकि उसको जो है ओरेकल ने एक ड्रेडफुल प्रोफेसी सुनाई होती है. तो वो जो है उसको ड्रेडफुल प्रोफेसी सुनाता है ओरेकल जो है, और वो उसको कहता है कि भाई तुम अपने फादर को किल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे. द क्रॉस रोड इज अ प्लेस वेयर अ चॉइस हैज टू बी मेड. सो क्रॉस रोड यूजली सिंबलाइज मोमेंट्स वेयर डिसीजंस विल हैव इम्पोर्टेंट consequences but where different choices are still possible. ठीक है, और crossroad जो है वो एक ऐसी place है जहाँ पे जो है choice जो है वो adopt की जाती है, और crossroad जो है वो usually symbolize करता है moments को जहाँ पे आपने कुछ important decisions लेने होते हैं, will have important consequences, जिनके important consequences यानी कि नतायज होते हैं, but where different choices are still possible, लेकिन फिर भी वहाँ पे different choices possible होती हैं. In Oedipus the king, the crossroads symbolize fate and the awesome power of prophecy rather than freedom and choice. अब Oedipus king, the king के अंदर ये जो crossroad है ये symbolize करता fate को भी और awesome power of prophecy को, rather than freedom and choice. ठीक है, prophecy यानी कि fate और destiny का role हम देखेंगे इसके अंदर के कितना ज्यादा है, कि इंसान जो है वो हर चीज से लड़ सकता है, अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब उसकी किस्मत ही fate उसकी जो किस्मत पे लिखा होता है ना, तो एक तो चीज उसको मिल के रहती है, दूसरी चीज ये कि जब किस्मत में जो चीज लिखी हो ना और इंसान उससे भागने की भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन एट द एंड उसकी अकल पे शायद ताले पड़ जाते हैं और उसके साथ वही होता है, यानी कि इंसान हर चीज से लड़ सकता अपनी फेट से नहीं लड़ सकता. उसके बाद देखते हैं साइट एंड ब्लाइंडनेस. रेफरेंस टू एवरी साइट एंड विजन सिंबलिज्म देखते हैं. ये अभी हम सिंबलिज्म देख रहे हैं इसके अंदर कि साइट एंड ब्लाइंडनेस का भी अभी सिंबलिज्म यहाँ पे आएगा कि रेफरेंस टू आईसाइट एंड विजन बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल आर वेरी फ्रीक्वेंट इन ऑल ऑफ द थीबन प्लेस. पॉइंट ऑफ द इमेज अच्छा क्वाइट ऑफन द इमेज ऑफ क्लियर विजन इज यूज्ड एज मेटाफर फॉर नॉलेज एंड इनसाइट. और क्वाइट ऑफन ये इमेज ऑफ क्लियर विजन जो है वो यूज होता है एज अ मेटाफर फॉर नॉलेज एंड इनसाइट. अभी साइट एंड ब्लाइंडनेस को मजीद आगे जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तो फिर मैं आपको मजीद बताऊंगी कि साइट एंड ब्लाइंडनेस क्या है. Oedipus एज द कैप्टन. Oedipus जो है वो कैप्टन भी था, वो किंग भी था, वो लीडर भी था. Sophocles यूज ऑफ इमेजशिप ऑफ स्टेट. व्हेन दिस इमेज अपीयर्स Sophocles इज कंपेयरिंग Oedipus एज रूलर टू द कैप्टन ऑफ अ शिप. The image suggests that a ruler is in command of a vessel and that it is his responsibility to navigate the ship or state or to save boats. When the captain is unreliable or irresponsible, the ship of the state will flounder and may even sink. Throughout the play, Thebes is referred to as a ship tossing in the storm and Oedipus is the captain. Oedipus ko as a captain jo hai Sophocles ne मेंशन किया, और वो बिल्कुल ऐसे था कि अगर लीडर ही एक डावनडोल पोजीशन में है तो उसकी पूरी अवाम भी डावनडोल पोजीशन में होगी. और थ्रू आउट द प्ले थीबस जो है यानी कि थीबस जिस एरिया का जिस वादी का Oedipus जो है जिस स्टेट का किंग था वो जो है उसको रेफर किया गया एक ऐसी शिप को के साथ जो कि टॉस इन द स्टॉर्म जो कि टॉस हो रही थी स्टॉर्म के अंदर और Oedipus उसका कैप्टन था और Oedipus ने अपनी आवाम को उस रिडल से निकालना था.
Oedipus swollen foot. Oedipus gets his name, as the Corinthian messenger tells us in Oedipus the King, from the fact that he was left in mountains with his ankles pinned together. ठीक है, अब क्या हुआ था कि एक कोरिंथियन मैसेंजर था और उसने हमें ये बताया था ईडिपस के बारे में कि वो जो है माउंटेन्स पे उसको मिला था और उसको कोई छोड़ गया था माउंटेन्स पे विद एंकल्स पिन टुगेदर, उसके जो एंकल्स हैं उनको पिन किया हुआ था टुगेदर शॉर्टली आफ्टर ही वॉज बॉर्न, जैसे ही वो पैदा हुआ. ईडिपस इंजरी सिंबलाइजेस द वे इन विच फेट हैज मार्क्ड हिम एंड सेट हिज अपार्ट. It also symbolizes the way his moments have been confined and constrained since birth by Apollo's prophecy to Lois. Oedipus का मतलब होता है swollen foot. ठीक है, उसके जो पैर थे वो swollen थे क्योंकि जब वो Corinthian messenger को मिला था तो उसके पैर जो है बंधे हुए थे. आप ऐसे समझ लें, एक पहाड़ है, उसके एक साइड पे थीबस था और एक साइड पे Corinthian Corinth था. ये मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कि हुआ क्या था. फिर importance of irony है. The use of irony is characteristics of Greek tragedians, especially Sophocles. Everything said by character means more to audience than it does to the speaker. The audience is therefore in the position of gods and is able to see the struggles, hopes and fears of the character against the background of truth. This situation gives to dramatic action and intensity and complication, which is the hallmark of tragedy. Irony of the situation, उसको कहते हैं कि हम ड्रामा के अंदर एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं और हो कुछ जाता है. That is the literary term. और irony यानी कि मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रही हूँ. मैं ईडिपस को ये सोच रही हूँ कि बहुत अच्छा बादशाह, ये कभी कुछ गलत नहीं कर रहा, कर सकता, लेकिन उसके साथ एंड में गलत हो जाता है. इसी तरीके से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बादशाह है वो हमेशा खुश ही रहेगा, लेकिन वो बदहाली की तरफ चला जाता है या वो अपनी आंखें फोड़ लेता है. दैट इज द आयरनी ऑफ सिचुएशन. आयरनी इस चीज को भी कहते हैं कि एक इंसान क्लेम कुछ और कर रहा हो लेकिन एंड पे उसके साथ कुछ और हो जाए. ईडिपस अगर ये क्लेम करता है कि मैं तो कातिल हूँ ही नहीं, आई एम नॉट द मर्डरर, लेकिन एंड में वही अगर मर्डरर निकल आए तो दैट इज द आयरनी. ठीक है, आयरनी ऑफ द कैरेक्टर. इसी तरह एक कैरेक्टर जो है वो देखने में कुछ और हो लेकिन रियलिटी में कुछ और हो, तो ये आयरनी है उस कैरेक्टर के अंदर. तो आयरनी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन में हो, चाहे वो कैरेक्टर में हो, चाहे वो प्ले में हो, कि हम एक्सपेक्ट कुछ और करें, हो कुछ और जाए. ठीक है, अचानक से सिचुएशन बदल जाती है और कुछ और हो जाता है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के बहुत ज्यादा बियॉन्ड होता है, तो हम कहते हैं दैट इज द irony of the situation. और इसी तरह मैं किसी एक इंसान से मिलती हूँ और मुझे लगता है कि वो बड़ा, जैसे हमने चौसर के अंदर पढ़े थे, बहुत ज्यादा रिलीजियस कैरेक्टर्स थे, लेकिन उनकी irony of the character क्या थी कि कहने को वो रिलीजियस थे लेकिन inwardly they were corrupted. ठीक है, so that is the irony. इसी तरीके से the audience understand everything on the two level at once. और audience जो है हर चीज समझ रही थी under the two different level at once. Examples of irony देख लेते हैं क्या था. Tiresias, the blind prophet. Tiresias जो blind prophet था that can see the truth. Tiresias अच्छा जी, Tiresias जो है वो देखने में ब्लाइंड प्रॉफिट था लेकिन वो ट्रुथ को देख सकता था. और उसके बाद क्या हुआ था कि वो वैसे तो देखने में अंधा था, ठीक है, ब्लाइंड प्रॉफिट था, लेकिन वो ट्रुथ को देख सकता था. और और उसके बाद ईडिपस कर्सेस द मर्डरर, सब्जेक्टिंग द मर्डरर देयर बाय हिमसेल्फ टू बी अ लाइफ इन एग्जाइल एंड मिजरी. और ईडिपस जो है वो थ्रू आउट कर्स करता रहा मर्डरर को, सब्जेक्टिंग द कर्स यानी कि बददुआ देता रहा, लेकिन एंड में वो बददुआ किसको लग गई, वो खुद ईडिपस को लग गई.
थ्रू आउट हम देखते हैं कि वो कर्स करता मर्डरर को, लेकिन वो सब्जेक्टिंग द मर्डरर देयर बाय हिमसेल्फ टू अ लाइफ इन एग्जाइल एंड मिजरी. और वो हमेशा क्या करता रहा मर्डरर को, कि भाई वो एक लाइफ इन एग्जाइल गुजारे और मिजरी गुजारे. ठीक है, यानी कि कर्सेस एडिपस नहीं दी थी, बट दुआ एडिपस ने दी थी. एडिपस लीव्स अकॉर्डिंग टू अवॉइड किलिंग पॉलिबस एंड स्लीपिंग विद मेरोब एंड एंड्स अप फुलफिलिंग द प्रोफेसी इन थीबस. और एडिपस जो है वो कोरिंथ छोड़ के चला जाता है ताकि वो अपने बाप को ना मारे. यानी कि एडिपस पॉलिबस को अपना बाप समझता था और मेरोब को अपनी माँ समझता था, और उसने जो है अवॉइड किया कि वो कॉरिंथ को लीव कर जाता है, और वो ताकि किसी कहीं अपने बाप को केयर ना कर दे और अपनी माँ से शादी ना कर ले. तो वो ये फिर भी वो भागता अपनी किस्मत से है, लेकिन एंड्स ऑफ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन थीबस. लेकिन उसकी ये प्रोफेसी कहाँ पूरी होती है, थीबस के अंदर. फिर आयरनी यहाँ पे एक और भी है. ईडिपस स्टेट्स दैट ही विल सर्च फॉर लॉयस मर्डरर. ईडिपस ये स्टेट करता है, वो कहता है कि वो लॉयस के मर्डरर को सर्च आउट करेगा, एज ही वर माय ओन फादर. कि वो कहता है कि जैसे वो उसका अपना बाप है. जो कैस्टास फर्स्ट एंट्रेंस इज नैगिंग एंड स्कोल्डिंग लाइक अ मदर एडमोनिशिंग हर सन. द कोरिंथियन मैसेंजर कम्स ब्रिंगिंग गुड न्यूज. कोरिंथियन मैसेंजर जो है वो आता है और कम्स ब्रिंगिंग गुड न्यूज लेके. बट इन द एंड दिस न्यूज विल ब्रिंग अबाउट द एंड. लेकिन फिर ये न्यूज जो है वो ब्रिंग अबाउट द एंड होती है, यानी कि एंड जो है उसका टोटली ऑपोजिट हो जाता है. दैट इज ऑल्सो द आयरनी ऑफ सिचुएशन. इसी तरह क्रियोन एक्यूज रॉन्गली ऑफ कॉन्स्पायरिंग फॉर द थ्रोन एंड द किंग एट द एंड. और इसके बाद एंड पे बेटा ये रह गया हमारा कोरस. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर समरी. अच्छा जी, कोरस देख लेते हैं इसके अंदर क्या है. अनलाइक हिज कंटेम्पोररी यूरिपाइड, सोफोक्लीज वाज नॉट टू इंटीग्रेट हिज कोरसेस इनटू एक्शंस ऑफ द प्ले. इन ईडिपस द किंग वी सी द कोरस कॉन्स्टेंटली एडवाइजिंग ईडिपस टू कीप हिज कूल. व्हेन अ ट्रेजिक सीन हैड टेकन प्लेस द कोरस फॉलोड इट बाय अ सॉन्ग ऑफ प्योरेस्ट पोएट्री. इन द ग्रेट ग्रीक dramas the chorus is a constant reminder that though they cannot understand or explain them, there are other powers in the world than the wild passions of men. The chorus is roughly like the peanut gallery. It's even occasionally told to shut up, provide exposition, comment on the plays, action, and to foreshadow future events, comment on the larger impact of the characters, action, and to expound of the play's central theme. In Oedipus, the king, we get choral odes to everything from tyranny to dangers of blasphemy. होता क्या है, कोरस जो है वो कमेंट करता है लार्जर इम्पैक्ट ऑफ कैरेक्टर्स एक्शन. यानी कि वो पहले से कोरस आपको बता देता है कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है. ये कोरस आपको गा के, वो जो 12 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो आपको गा के बताता है कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है इन द ड्रामा या इन दिस एक्ट. द कोरस इन ईडिपस द किंग गोस थ्रू अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आर्क. ठीक है, और उनका जो है थ्रू अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आर्क के थ्रू वो एक्सपोज होता है. दे बिगिन बाय being supporting to of Oedipus. वो शुरू में तो start जब करते हैं तो वो Oedipus को support करते हैं, believing based on his past successes. और वो उसकी believe करते हैं उसकी past successes पे, that he is the right man to fix their woes. कि वो सही इंसान था जिन्होंने जिसने उनको मुश्किलात से निकाला. As Oedipus behavior to become more erratic, they become uncertain and question his motive. In the end, chorus is on Oedipus' side again and laments in horrific fate. और आखिर में भी हम कोरिक सॉन्ग देखेंगे, सुनेंगे, और हम देखेंगे कि वो तब भी Oedipus ही की साइड लेता है और वो लैमेंट करता है उसकी horrific tragic fate को. Importance of chorus जो है बेटा, ये जब इसके question आएगा मैं आपको फिर करवा दूंगी, और ये आगे discussions हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है. पहले हम summary कर लेते हैं, then हम